राज न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़ा अपना राजेश कुमार गल करने जा रहा हूँ लुधियाना शहर की मौजूद हाँ लुधियाने के तेती बुटा रोड जिथे कि एक डाबा रो डाबा रो डाबे थाने के नज़दीक एक मोहल्ले के चार साल की बच्ची नाल कतल किया जाता जिस तों बाद अपराधी कतल करके रफू चक्कर हो जाता जिस तों बाद उन्होंने परिवार वालों तेती बुटा रोड से धरना लाया जाता कि अपराधी हले फरार चल रहा जिस तों बाद असीं परिवार नाल भी गलबात करांगे ते पुलिस प्रशासन नाल भी गलबात करांगे आखिरकार की है पूरा मामला। हम सबको इंसाफ नहीं मिलता, हम सब धरना से नहीं हटूंगा, मुजरिम को पकड़ करके हमारे हवाले करो, हम फैसला करेंगे, हम जनता फैसला करेंगे, फैसला जनता कर लेगी, जनता फैसला करेगी। हमारी मांग यही है, 24 घंटा हो गया आज तक, अभी तक पोस्टमार्टम बच्ची का हमारे नहीं हुआ। छोड़ो अच्छा ही, जब तक है ना पोस्टमार्टम होकर हमको है ना बच्ची नहीं मिलती है और बंदा गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटूंगा। और जो थाना के SH जो है उनका कहना है कि बच्ची का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये जो है कि उनका कहना है कि हम जांच के बाद है जो उसमें आएगा आरोपी को अपना जल्द जो है अपना हिरासत में लेंगे। हम आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे जब तक हमको मुजरिम नहीं मिल जाएगा, मुजरिम को हम है ना सजा देंगे, प्रशासन के कानून के हिसाब से हम नहीं चलूंगा, कानून उनको 7 साल के बाद छोड़ देगी। कानून के ऊपर भरोसा नहीं है, कानून के ऊपर भरोसा नहीं है आपका, कानून के ऊपर नहीं भरोसा, पंजाब सरकार पे भरोसा नहीं है। पंजाब सरकार इतना निकम्मा हो गई, पंजाब सरकार सरेआम पूरे रात दिनों दिन कुछ ना कुछ कत्ल हो रहा है, रेप हो रहा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, पूरे पंजाब में ये माहौल हो रहा है। जे आरोपी अरेस्ट नहीं किया जाएगा धरना जारी रहेगा, हाँ धरना जारी रहेगा जिन्नी देर तक है ना आप है ना मुजरिम नहीं। ये गली बंद किए हुए अभी दिल्ली हाईवे बंद करेंगे, अगर है ना प्रशासन हमको है इंसाफ नहीं दिलाया हम हाईवे जाम करेंगे, हमारे साथ जनता है, छोड़ूंगा नहीं, हम हटेंगे नहीं। दिल्ली हाईवे हर दिन देखा जाता है गरीब बंदे के साथ ही धक्का होता है, लेकिन इस बार गरीब बंदे के साथ होता है, गरीब बंदे के साथ होता है, अगर अमीर आदमी होता अब तक अरेस्ट हो जाता बंदा, अगली मुजरिम गिरफ्तार हो जाता है ना। पुलिस प्रशासन की गलती नहीं, पंजाब सरकार की नालायकी है, पंजाब सरकार पे नशाखोरी क्राइम भ्रष्टाचारी रेप पूरे पंजाब में चरम सीमा पे हो रहा है, पूरे चरम सीमा पे जगह जगह नशा चिट्टा बिक रहा है, सरकार को पता, पुलिस प्रशासन को पता है, लेकिन हाँ कोई कार्रवाई पंजाब में नहीं हो रही है। शाम जो इन्हें देखा बच्चा मिल नहीं रहा, 5:30-6 बजे थाने गए है जी, तो SHO ने बड़े मुश्तैदी नाल वर्क करते हैं उन्होंने नाल घर आके जो देखना देखा तो बॉक्स के बच्ची की डेड बॉडी मिली जी, तो असी रिएक्ट करते इमीजिएट FIR दर्ज कर दी और बोर्ड को अब पोस्टमार्टम हो रहा, तो असी लगे हाँ भी वो लड़के जल्दी तो जल्दी क्योंकि वो माइग्रेंट है तो जल्दी उन्होंने अरेस्ट कर ली है, तो काफ़ी वो असी जे इतने वो सगे संबंधी रेंदे उन्होंने भी नाल लैके उन्होंने सहयोग लै रहे हैं ताकि जल्दी तो जल्दी पकड़ गए। कानून मुकदमा दर्ज हो गया सर, वो रात ही परचा दर्ज करता सी FIR नंबर सर दस दो, FIR नंबर मैं थोड़ा दे दिना उन्हें लेके जी कितना है वो FIR दे देना, पोस्टमार्टम भी हो गया है बकायदा वह, तो अंडर सैक्शन 302 दे विच 24 घंटे हो गए हुण तक पोस्टमार्टम है नहीं। पोस्टमार्टम ये है ना एक SOP होंगी है वो अकॉर्डिंगली दिन सूरज की लाइट के ही होना होंगे है पोस्टमार्टम, बोर्ड बन गया पोस्टमार्टम लगभग पूरा हो गया है, बकायदा डॉक्टर साहब ना मेरी गल हुई है, तो वो हम क्योंकि नाना जी इतने आ गए थे तो पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने वाली कई तरह ताकत लगिया होंगे जी, तो कोई गल नहीं असी डेडिकेटेड है, जल्दी तो जल्दी बंदे को फड़ के लिया के इन्होंने सामने कर देना। अगर सर पुलिस अपना काम करिए इन्होंने धरना लगाने की जरूरत है ये इन्हों पुछे बारे में।